हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, ये प्री बोर्ड का आज एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, जिसका कोड है 002। सीबीएसई जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम ले रही है, ठीक है, ये मॉर्निंग शूट का पेपर था। तो आप देख के आइडिया ले सकते हैं, जो और स्कूल्स के हैं, ठीक है, केवीएस के, एनवीएस के हैं या इवनिंग शिफ्ट के हैं, वो देख सकते हैं कि पेपर किस तरीके से आया था, ताकि वो भी अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल क्वेश्चन पेपर शो किया जा रहा है, इसमें आंसर्स नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं, ये पैसेज थी। ठीक है, और उसके बाद इसके नीचे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, फिर एक और पैसेज थी, दोनों में से एक करनी थी आपको। ठीक है, और सारे क्वेश्चन करने हैं एक पैसे, जो भी आप चूज़ करेंगे, यानी कि कुछ उसमें से, कुछ उसमें से, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये 18, 19, 20, उसके बाद फिर एक काव्यांश आया था। ठीक है, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, और बहुत ही इजी पेपर रहा है। ठीक है, हिंदी का तो काफ़ी सबके मुकाबले बहुत ईजी आया। फिर और में था काव्यांश, ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, जैसे गद्यांश में था, ऐसे काव्यांश में भी है। ठीक है, उसके बाद आपके व्यक्ति और माध्यम पर आधारित थे। ठीक है, जो आपकी हिंदी की आपको वो मिला होगा सपोर्ट मटेरियल, उसमें से ही सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आराम से देख सकते हैं। उसके बाद पाठ्य पुस्तक का है, ठीक है, जो आपकी हिंदी के बुक के लेसन है, अंतरा और अंतराल है ना, दो बुक आपकी, उसमें से। फिर एक आपका गद्यांश आया था। ठीक है, संवदिया वाला, किस तरीके से बड़ी बहुरिया होती है, ठीक है, उनके पति जो है वो मर जाते हैं, तो जो देवर वगैरह होते हैं वो शहर में चले जाते हैं, और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन गरीबी में रह रही होती है, अपने मम्मी को बोलती है कि, मतलब संवदिया को बोलते हैं कि जाओ मेरी माँ को बोलो कि मुझे लेने आ जाए, लेकिन बाद में वो कहते नहीं बोलना था, और संवदिया भी नहीं बोलता कि हमारी बहुरिया हमारे गाँव में रहेगी, ऐसा था ना कहानी, आपने पढ़ी होगी, है ना। ठीक है, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है सारे, तो बस ये 60 तक थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर मैंने दिखा दिया, होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। ऐसी बहुत सारे पेपर्स मैंने बना दिए हैं, मतलब जो जो थे मतलब उसकी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जैसे पेपर होते हैं, ठीक है, वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप टर्म फर्स्ट में या और भी जो स्कूल के बच्चे हैं उसकी हेल्प ले सकें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे से। ठीक है, आप चैनल पर जाके सारे पेपर्स देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।